जी न्यूज पैनल के दर्शकों नमस्कार। देख रहे हैं दर्शकों, पुरानी अनाज मंडी में एक गाड़ी है, उसमें लगी है भयंकर आग। पिकअप शायद ऐसा लगता है जैसे कि कोई पहले कचरे में आग लगी हो और फिर बाद में ये पिकअप जल रही है। आप देख रहे हैं पिकअप धू धू कर जल रही है। ये पुरानी अनाज मंडी में हेलो। हाँ हाँ कोई नहीं। देखिए दर्शकों, धू धू करके ये पिकअप जल रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी अब पहुंच रही है गंगापुर सिटी के पुरानी अनाज मंडी में। आगे 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 करो, आगे करो। लगा लगा लो। और देख रहे हैं फायर ब्रिगेड की दर्शकों गाड़ी अग्निशमन की गाड़ी दर्शकों पहुंच गई है। आप देख रहे हैं ठीक है, धू धू करके जल रही है। जी न्यूज पैनल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं पुरानी अनाज मंडी में ठीक है, आप धू धू करके जल रही है आप। और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई है दर्शकों। फायर ब्रिगेड के द्वारा गाड़ी को आग को बुझाया जा रहा है। आप देख रहे पीछे से और देख रहे हैं ठीक है, पीछे से खोलो। देखिए दर्शकों, गंगापुर सिटी के पुरानी अनाज मंडी में एक पिकअप में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आप लगभग आग पर काबू पा लिया है। डाल
कैसे लगी थी मालूम नहीं, सामने वालों ने फोन मिलाया था, इन्होंने ऊपर वालों ने अभी आप तो थोड़ा दूर देखिए ना सुबह बताना चाहेंगे गंगा पुष्टी के पुरानी राजमंडी सीकर में लगी थी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अरे भाई साहब की गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, कैसे मालूम चली आपको? अभी यहीं से कोई ने फोन करा, मैं तो दुकान बंद करके गया था, दोपहर से खड़ी है यहाँ पे, तो खराब थी गाड़ी, जो चालू नहीं हुई थी, मैंने छोड़ चलो कल सुबह बनवा लेंगे इसको, तो मैं छोड़ के चला गया। जसवंत कहाँ रहते हो? यहीं सब्जी मंडी, मैं तो नशिया कॉलोनी रहता हूँ, सब्जी मंडी में दुकान है। आग कैसे लगी कुछ बताया आपको? आग कैसे लगी थी? हमको तो टेलीफोन गया था भाई, तो भाई साहब मेरे सामने मकान है, अभी यहाँ की दस से आधा घंटे पहले देखा था तो गाड़ी से धुआं निकल रहा था बहुत तगड़ा, देखा था उसमें क्या कि हम तो एकदम क्या देख करके एकदम होपलेस हो गए, फिर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, पहला फ़ोन किया फिर दूसरा फ़ोन किया, तब थाने से जीप आई थी, ठीक है ना, और फिर क्या कि फायर ब्रिगेड का नंबर तलाश किया, लिया हमको नंबर मिला नहीं, फिर समथिंग आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी, फिर उन्होंने गाड़ी संभाल लिया उन्होंने, और सर ये गनीमत था कि आग बुझ गई और कोई जनहानी हुई नहीं, ये ऊपर वाले धन्यवाद देंगे आप लोगों का, ये सबने मिल करके संभाली टाइम पर, और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। यहाँ सुबह सुबह जो हरिजन आता है वो चारों तरफ मंडी में झाड़ू निकाल के जगह जगह आग लगा देता है, कचरे में पूरा आग लगा के जाता है, पूरा कचरे में आग लगा, यहाँ यहाँ एक लकड़ी का वो बोरा पड़ा था जो कचरा था उसमें आग लगाई, दो रोज पहले और कचरे में आग लगी है, इस गाड़ी में आग लगी है, जहाँ तक हमारा अनुमान है। देख रहे फिलहाल गाड़ी को आग पर काबू पा लिया गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया गया है। गाड़ी बिल्कुल साफ है, बना तो पास कर पूरी तरह से जल के राख हो गई है गाड़ी।
आज चालू हो रहे डप्पा मार लगा कर हेलो गाली पे ही हो गया हमारी दुकान के वहाँ पे कचरे में आग लगा के यहाँ आने के बाद में फिर हमने पानी मैंने जितना हमने पानी जमा दम पानी डाल रहे जगह आग लग रही थी हाँ जगह आग लग रही थी वो तुम्हारी पानी पड़ गई आग से देखे ना चलो फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है फटाफट का छूट गया टायर फटाफट हटी हटी देखिए ना को बताना चाहेंगे कि शायद लगता है पहले कचरे के ढेर में इसमें कि कचरे के ढेर में पहले आग लगी है और फिर बाद में ये गाड़ी में और राजू भाई यहाँ पे ही है राजू भाई आग पर काबू पा लिया गया लेकिन राजू भाई दिन में गाय के लिए सेवा करते हैं और रात में फायर ब्रिगेड की गाड़ी चलाते हैं राजू भाई और कोरोना काल में राजू भाई की बहुत शानदार प्रशंसीय सेवा रही और फिलहाल गंगा पुष्टी के जो देख रहे हैं जो पुरानी अनाज मंडी पिकअप पे जो आग लगी थी आग पर काबू पा लिया गया है कचरे का दिखा दिया ना कचरे देख रहे हैं ये दर्शकों ये कचरे के कारण दर्शकों अभी अस्पताल रोड पे भी कचरे की गाड़ी में कचरे के पॉइंट पर आग लगी थी जो डीपी में आग लगते लगते हमने बचाई थी टैंकर से आग बुझवाई थी और जगह जगह कचरे की पॉइंट के पे यानी कचरों को देख रहे हैं कचरों की वजह से ही आग लगी है ये और ये देख रहे हैं ये कचरा जला हुआ है और इसके कारण ये गाड़ी में शायद लगता है ऐसा कचरे की वजह से ही आग लग पाई है ये और अग्नि सेवा आग पर काबू सर को फोन नहीं किया था राजू भाई ने फोन करा जो इनको मैंने फोन किया था इनको मैंने फोन किया था जो किसी ने फोन नहीं किया था इनको मैंने फोन किया था कि आपने ही फोन किया था जी सर मैंने किया था यूनिट बोर्ड के लिए फोन किया था तुरंत हम मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड को तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन लगाया राजू भाई को और तुरंत राजू भाई मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया आपको तुरंत कॉल कर दिया था सर मैंने आके ही कॉल कर दिया था जोशी जी को भी कॉल आया मेरे पास अंकल जी को भी कॉल आया कॉल आते ही तुरंत निकली गाड़ी लेकिन फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया Thank you.